राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं अचार। और अचार जो होती हैं सेंग फली कहते हैं जिनको, हमारे यहाँ तो सैजन की फली बोलते हैं, तो उसका अचार बनाने जा रहे हैं। तो उसका अचार बनाने के लिए पहले मसाले तैयार कर लेंगे। इसमें हमने डाल दिया सरसों और सौंफ और मेथी, जीरा और थोड़ी सी हींग डाल दी है। और यही सब मसाले डाल के और उनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं करना है। और कुछ लोग हैं अलग अलग मसाले जो है रोस्ट करते हैं, लेकिन हम एक में ही मिक्स करके और अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, बढ़िया मसाला बन के तैयार हो जाता है। तो मसाला हमारा बन चुका है और उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ऑयल को हमने हल्का सा गरम किया था और उसके बाद ठंडा कर लिया। ठंडा होने के बाद में कसूरी मेथी और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया इसमें ऑयल में। इससे क्या होता है कि कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखो, ये हमने छोटी छोटी काट के और उसमें थोड़ा सा कद्दू और थोड़ा सा खीरा डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और इसके बाद में हम इसमें ये सिरका है, गन्ने का सिरका है, तो इसको डाल देंगे। और इसका अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें सिरका अच्छे से डालें और उसके बाद में नमक डाल देंगे और ये मसाले जो पीस के तैयार किए थे भून के, तो ये भी डाल देंगे इसमें। और मसाले डाल दिए, अच्छे से मिक्स करेंगे इन्हें। और इसकी जो इसका अचार है बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस तरीके से काटते हुए ये हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से। और उसके बाद में हमने डाल दी है थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी जो है बहुत ही अच्छी होती, फ़ायदेमंद, और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो कलौंजी डालने के बाद में इसमें जो कढ़ाई में तेल था, इसमें याद रखिए कि तेल गर्म नहीं है, तेल ठंडा है एकदम। और कढ़ाई में हमने ये डाल दिया है सारा मिक्स अचार जो भी है। और इसके बाद में थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, क्योंकि हल्दी और नमक डाल के हमने ये सुखाया था। अचार की सबसे अच्छी ट्रिक है हल्दी और नमक डाल के इसको, जैसे कोई भी चीज़ का अचार बनाएं, हल्दी और नमक डाल के थोड़ा सा सुखा लें, उसके बाद में उसका अचार बनाएं तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये देखिए अचार हमारा बनके तैयार हो गया और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है इसका। और इसके बाद में ये एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें, ये ख़राब नहीं होता है। और इसके बाद में हम हल्दी कूटेंगे। हल्दी कूटना था तो यहाँ पर हमने हल्दी फिर मिक्सी में चला दिया और ये हल्दी कुट के तैयार हो गए। हल्दी वहाँ से जो चक्की होती है, चक्की से कुटवाएंगे, लेकिन थोड़ी सी जब ख़त्म हो गई थी इसलिए हमने थोड़ी सी पीस के रख ली। और मसाले जो हैं घर में मंगा के सारे पीस के रखते हैं, खाली यह है कि हल्दी से मिक्सी ख़राब हो जाती है, मिक्सी का जार, तो इसलिए हल्दी घर पे नहीं पिसवाते हैं, पीसते हैं मतलब हल्दी। और ये धनिया हुआ, लाल मिर्च हुआ, इसका पाउडर, ये मसाले हुए, सारा कुछ घर में बनाते हैं। तो सारा कुछ मंगा के रखा है, अब बनाएंगे, अभी बनाना है। तो हम लोग अभी लेटे थे यहाँ पर और सो के उठे, देखो आंखें सब सूज गई हैं। और ये आई है मैक्रोनी की मशीन, तो ये सारी जा रही है, ये माइक्रोनी की मशीन लगने जा रही है। ये हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे माइक्रोनी बनती है जब बनेगी। और ये राख ले ली है, ये जो है हमारी जो ज्योति जलाते हैं उसका शीशा है, तो इसको राख से कांच जो है राख से अगर साफ करें तो बहुत ही अच्छे से साफ होता है। तो इस तरीके से राख से साफ कर देंगे इसको और ज्योति का काम ख़त्म हो गया, तो इसको अब हम रख देंगे साफ करके। तो इसलिए इसका शीशा भी साफ कर रहा है। और ये शीशा हमारा बहुत दिनों का हो गया है, लेकिन अच्छे से संभाल के रखते हैं तो ये चल रहा है।
तो ये इसमें जहाँ भी दाग धब्बे हैं अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ऑयल होता है मतलब चिकनाई होती है घी से जो जलती है, तो इससे ना वो दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद में थोड़ा सा पानी से साफ़ कर लें, और ये देखिए एकदम शीशा चमक गया है। और यहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं, बाबू बनाने जा रहे हैं पनीर का पराठा। बाबू भी हेल्प करवा रहे हैं, सेजल बना रही है, और सब लोग मिलके बनाएंगे। तो बाबू और सेजल दोनों प्याज और सारे मसाले काट के तैयार कर रहे हैं। और इसके बाद में ये आटा गूथ लिया है, आटे में नमक थोड़ा सा नमक डाल के गूथा है। उसके बाद में पनीर जो है पनीर कद्दूकस कर लिया था, और सारे जैसे प्याज लहसुन और जो भी मसाले काटे हैं वो सब डाल के, सब्जी भी डाल सकते, कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। और उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कढ़ाई में डाल के, और ये अभी मशीनें उतारी जा रही थी, बहुत वजन है ना, भारी मशीनें हैं तो जल्दी वो नहीं उतर रही। तो उसके बाद में ये यहाँ पर सब्जी बना लेंगे, ये लौकी और आलू की सब्जी है, लौकी आलू की सब्जी और पराठा बनाएंगे। तो ये मिक्सर तैयार हो गया, ये सेल दिखा नहीं पाया, इसमें जो प्याज व्याज सब काट के रखा था, टमाटर सब डाला और उसको तड़का लगाया अच्छे से, और ये पनीर की जो भुर्जी है तैयार हो गई। इसके बाद में अब थोड़ा थोड़ा सा भर के और इसकी लोई बना के, और ऐसे पराठे बेल लेंगे और पराठा बनाएंगे। बच्चों को ये सब पसंद है और फायदा भी करते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे आजकल ना हर चीज़ तो खाते नहीं हैं, सेजल तो फ्रूट वगैरह खाती ही नहीं है, और ये सब पनीर का पराठा ये सब चटपटा सा दे दो तो खाने में बहुत तेज है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरीके से बेल के तैयार कर लेंगे, और पनीर का पराठा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। या तो जैसे जब पनीर को कच्चा भरते हैं तो थोड़े सा पराठा बेलने में दिक्कत आती है, तो इस तरीके से। और ये देसी घी के पराठे बना रहे हैं, देसी घी से पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, वो मुलायम मुलायम से। तो कभी भर के जब पराठे बनाते हैं तो देसी घी से ही बनाते हैं। और इसके बाद में ऐसे लोई फिर दूसरी ले लेंगे, इधर चाय रखी है हमारी, चाय भी पीते जा रहे हैं पराठा भी बनाते जा रहे हैं, तो इसी तरीके से लोई बना लेंगे। और बच्चों ने बहुत ही मन से खाया था, आलू का पराठा बना दो, पनीर का पराठा बना दो, ये सब खाते हैं मन से। तो और रिद्धि हमारी थोड़ी सी कमज़ोर है, उसको कोई चीज़ जैसे खाती है लेकिन खाना ज़्यादा खाया नहीं जाता है, और बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा सोचते हैं कुछ पौष्टिक दें, और तो सब बच्चे सब कुछ खाते हैं सब, लेकिन वो थोड़ी सा पता नहीं क्या उसको फीवर भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो आप लोगों को कुछ पता है तो बताना ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि उसको थोड़ी सी कमज़ोरी रहती है, हमेशा लेजी लेजी सा महसूस करती। और ये पराठे हमारे देखिए कितने अच्छे पक के तैयार हुए हैं, और देसी घी के पराठे का कोई कुछ बात ही अलग होती है। और इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, लौकी आलू की सब्जी है, इसमें मसाला डाल देंगे, और इधर ये पराठा सेक लेंगे। इस तरीके से दबाते हुए चम्मच से और अच्छे से सेक लेंगे। कुछ पराठे तो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं, उनको दबाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं फूलते हैं तो उनको। और ये देखिए ये अचार है, और लौकी आलू की सब्जी और पराठा, ये हमारा खाना बन के तैयार। आप लोग भी खा लीजिए, ओम जी भी खाने जा रहा, ये लोग वेट ही कर रहे थे कि कब ओम जी बोला था बड़ी मम्मी कब बनेगा खाना, कब बनेगा, तो बन गया। तो हमने कहा पहले सबसे पहले इन लोगों को दे दें। और ये पट्टे आए दोपहर में सोने नहीं देते, ये पट्टे बोल रहे कि मोबाइल दे दो हमें, हम देंगे। अरे
नहीं तो दस के तुम कितने दिया है पीछे? दस के चार दिए पीछे। हाँ तो आठ ही हुए। और क्या आठ होता है? छोल हाँ नुकसान हो तो मुकर मत दो, तुरंत मत दो। अरे हम लोग बटवे क्या हुआ तुम्हारा पैसा? कुछ बहुत जल्दी में भी और इसके बाद यहाँ पर आ गए हैं। ये जो है पेड़ बहुत ज्यादा घना हो गया, पत्तियाँ लटक रही हैं, तो इसका जो पत्ती है वो काट देंगे। ये सेल बोले थे मम्मी पेड़ में घुसी हो ला फोटो खींच दें, तो एक हम खड़े हो गए थे और देखिए पेड़ सारा काट दिया, नीचे नीचे से सब छाट दिया है, ऊपर ऊपर का बचा है। और चाची आई कि पड़ोस की, तो बोलने लगी कि देखो तुलसी की जो मंजरी होती है वो पक जाती है, तो कहते हैं ये नाखून हैं तुलसी माता के, तो इनके नाखून तोड़ देना चाहिए, नहीं तो इनके सर में दर्द होता है। तो चाची भी तोड़वाने लगी और हम लोग तोड़ने लगे। ये रात में ये लोग कोशिश कर रहे थे कि हाँ ऊपर ले जाएँ, ऊपर ले जाए मशीन, लेकिन जा नहीं पाई, अब आज जाएगी। और यहाँ पर ये उस दिन का है, नवरात्रि वाले दिन का है, क्लिप पड़ा था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।